मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हमारे पास एक मोल मैस, एक मोल मटेरियल हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हो, तो इसके लिए जितना हीट चाहिए उसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका मेजरमेंट करते समय या तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कार्यक्रम किया है तो दैट इज कॉल्ड सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर काम किया है तो उसको बोलते हैं सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों का कैलकुलेशन हमें करना है। तो मान लो अपने पास एक मटेरियल है जिसका टेम्परेचर हमने थोड़ा बढ़ाया है, एक मटेरियल का एन मोल मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल का गैस देते हैं, एन मोल मेरे पास गैस है, इसका टेम्परेचर जो है हम डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, और इसमें हीट जो है क्यू पी खर्च हुआ, तो सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू पी डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी, ये हो गया सीपी का वैल्यू। इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर काम न करके कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहे हैं, यह मोल गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाना है टी डिग्री सेल्सियस, उसके लिए हमने जो हीट दिया वो क्यू वी है, तो हम सीवी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सीवी विल बी सीवी विल बी क्यू वी डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से सीवी के लिए एक फॉर्मूला बना लिया, सीवी के लिए एक फॉर्मूला बना लिया। एक बहुत ही फेमस सा इक्वेशन है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो गैस कांस्टेंट आर के इक्वल होता है। कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे, हम उसको प्रूफ करेंगे, हम इन्हीं इक्वेशंस की मदद से उसको प्रूफ करेंगे। तो सीपी में से सीवी को माइनस कर दो, सीपी माइनस सीवी, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एन और डेल्टा टी तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा क्यू पी बाई एन डेल्टा टी माइनस क्यू वी बाई एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी कॉमन ले तो क्यू पी माइनस क्यू वी, हम जानते हैं क्यू पी को डेल्टा एच कहा जाता है, क्यू पी को डेल्टा एच कहते हैं, इसकी जगह डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, और क्यू वी को डेल्टा ई कहते हैं, डेल्टा ई और डेल्टा एच के बारे में पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले। तो डेल्टा ई का वैल्यू हमने दिखाया था क्यू वी के इक्वल होता है, और डेल्टा एच का वैल्यू जो है क्यू पी के इक्वल होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं QP की जगह डेल्टा H, QV की जगह डेल्टा E डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा T। अब डेल्टा H का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा B होता है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E कितना होगा, कहां लिखते हैं, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा B, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा बी, तो ऐसा हम लिख दो पी डेल्टा बी बाई एन डेल्टा टी। अब इसी को हमको आर प्रूफ करना है, वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास गैस इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, कि हमारे पास एन मोल गैस है तो उसके लिए एक रिलेशनशिप होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गैस का प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल है, टेम्परेचर है, हम कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं, प्रेशर चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो गैस का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो
तो चलो वाला के टेम्परेचर को बढ़ा करके हमने टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा और बढ़ करके वी से वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ गया। अब पी वी प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर टी प्लस एन आर डेल्टा टी। हम जानते हैं कि पी वी और एन आर टी आपस में इक्वल होते हैं, इक्वेशन ही होता है PV is equal to nRT, दोनों कैंसिल हो सकते हैं दूसरे से, तो PV को nRT से कैंसिल कर दिया, तो बचा गया P delta V is equal to L R delta T, तो P delta V is equal to N R delta T या फिर R is equal to P into delta V by L into delta T, तो आ गया ना ये R के इक्वल है, तो इसको सीधे सीधे लिख देंगे। तो Cp माइनस Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का डिफरेंस R के बराबर होता है। और R का वैल्यू कितना होता है? R का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर 1 डिग्री है केवल 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, 1 मोल गैस है मेरे पास तो 2 कैलोरी का डिफरेंस आएगा, ध्यान रहे 1 मोल गैस के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 2 कैलोरी का डिफरेंस आएगा। यहां पर जितना एनर्जी लगेगा यहां पर 2 कैलोरी ज्यादा एनर्जी लगेगा, अगर यहां पर 20 कैलोरी हीट लगा है तो यहां 22 कैलोरी लगेगा, यहां 25 लगा है तो यहां पर 2 कैलोरी ज्यादा मतलब 27 कैलोरी हीट लगेगा। अब जरा सोचो क्यों, क्यों एक केस में ज्यादा एनर्जी लग रहा है दूसरे केस में कम एनर्जी लग रहा है, क्यों इस केस में ज्यादा हीट लग रहा है दूसरे केस में कम हीट लग रहा है, दोनों केसेज में काम तो हम वही कर रहे हैं, 1 मोल गैस है टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, ठीक है 1 मोल गैस है टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो हीट दोनों केस में बराबर लगना चाहिए ना, बराबर नहीं लग रहा, अलग अलग क्यों लग रहा है? तो आंसर इसका ये है कि जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो गैस को कोई काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं होता है प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो गैस को थोड़ा काम भी करना पड़ता है। तो यहां पर इस केस में जो भी हीट हम दे रहे हैं वो पूरी तरह से मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो रहा है, और यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं वो 2 जगह खर्च हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा मॉलिक्यूल्स कुछ काम भी कर रहे हैं पिस्टन को ऊपर उठाने में, याद है यहाँ से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एनर्जी और देना ताकि वो पिस्टन को भी उठा सके, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसीलिए सीपी का वैल्यू ज्यादा होता है, सीपी का वैल्यू कम होता है, क्योंकि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है लेकिन मॉलिक्यूल्स कोई काम नहीं करते, यहाँ मॉलिक्यूल को एनर्जी भी बढ़ाना है और प्लस मॉलिक्यूल्स को काम भी करना है, तो एनर्जी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हीट चाहिए। तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखो, दोनों का डिफरेंस कितना होता है ये ध्यान रखो, प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा समझो और ये भी समझो कि दोनों में से कौन ज्यादा है और क्यों ज्यादा है।